नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था जूल्स लॉ के बाद। जूल्स लॉ क्या था? जूल्स लॉ था कि जैसे ही किसी भी सर्किट में हम करंट बढ़ाएंगे तो करंट के स्क्वायर से उसमें हीट बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, यानी कि एक ऐसा वायर लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, तो ज्यादा कोलिजन होने के कारण क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और तीसरा था टाइम। अगर टाइम बढ़ा दिए किसी भी सर्किट में, टाइम बढ़ा दिए, ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, वैसे ही ज्यादा कोलिजन होंगे तो फिर से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो तीन फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता था, इस पे IRT, इसीलिए उसका इक्वेशन भी बना था। तीनों को कंबाइन किए तो I²RT हीट का ये इक्वेशन बना था, ठीक है। जो भी टर्म आपको नहीं समझ में आएगा, टॉपिक खत्म होने के तुरंत बाद हम उसको समझाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कि अप्लीकेशन क्या है हीटिंग लॉ का, अप्लीकेशन, ठीक है। कोई फिर आया क्या? चलो, अप्लीकेशन ऑफ हीटिंग वायर, मतलब जितने भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़े उसका अप्लीकेशन क्या है। अप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें उस दिन हम बताए थे कुछ, फिर से रिवाइज कर लीजिए। हमने क्या बताया था, प्रॉपर्टी ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हीटिंग वायर, प्रॉपर्टी ऑफ ए हीटिंग वायर है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। तो हीटिंग वायर का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए कि हीट ज्यादा कैसे कर पाए। तो देखिए, जिसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट करेगा, मींस वो क्या करेगा, करंट आएगा उसको अपोज करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा गर्म होगा, कोलाइड होगा, और इस कारण से वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो हीटिंग वायर का सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस शुड बी हाई, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होना चाहिए, मतलब जब हम वो हीट हो जाए तो जल्दी मेल्ट ना हो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हर जो मेटेरियल्स है उनका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है कि किस टेम्परेचर पे जाकर के ये मेल्ट हो जाएंगे, मतलब जो इसके एटम्स एक दूसरे से कंबाइंड है कितना टेम्परेचर मिलने के बाद ये उनका फोर्स ब्रेक होगा, जिसको बोलते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो ये पॉइंट उनका हाई रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा हीट ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं बिना पिघले हुए, बिना मेल्ट किए हुए। तो लिखेंगे द मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई, यस। चलो, आप दिख रहा है? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या हुआ, सुनो ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनो, जो भी मैं हूँ उसको ध्यान से फिर समझ में आएगा, और वही चीजें आप लिख लेना, अगर ध्यान से सुनोगे तो लिख पाओगे। तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं आज, अप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि एक गुड हीटिंग वायर है, एक अच्छा हीटिंग वायर के पास क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस शुड बी हाई, उसके पास हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, जिससे क्या करेगा वो ज्यादा से ज्यादा जब अपोजिशन कर पाएगा, करेंट जाएगा तो अपोज करेगा, रोकेगा उसको, जिस कारण से वो गर्म होगा, हीट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको एक गुड हीटिंग वायर बोलेंगे। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट इसका काफी हाई होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर देते जाएं तो मेल्ट नहीं हो जल्दी, और जल्दी मेल्ट नहीं हो इसके लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, मीन्स इसके अंदर का जो मोलेक्यूल्स है उनके बीच का जो फोर्स है वो काफी हाई है, काफी टेम्परेचर दिए तब जाके ये इंटर मोलिकुलर फोर्स ब्रेक हुआ, मतलब ये मेल्ट हुए, पिघल के फैल गए। तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, द मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई, पॉइंट
शुड बी हाई, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, तीसरा जो है इसके पास प्रॉपर्टी है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइज का मतलब हुआ कि ये कभी कभी वायर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करके ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बिल्कुल मिट्टी जैसे भुरभुरे होके गिर जाते हैं। तो ऐसा इनके पास नहीं होना चाहिए, ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बिल्कुल ये जो वायर है वो मिट्टी जैसा भुरभुरे होके और ये पाउडर के फॉर्म में फैल नहीं जाना चाहिए। तो ये भी लिखेंगे, इट शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टी मेनली इनके पास होना चाहिए। एक और भी प्रॉपर्टी है जिसको लिख भी सकते हो अगर चाहो तो, इट शुड बी टेंसाइल, ठीक है, ये तो होगा ही। टेंसाइल मतलब पतले वायर में बना सके, वायर में जब इसको चाहे तो कन्वर्ट किया जा सके, उसी को बोलते हैं टेंसाइल। तो ये चार प्रॉपर्टी मेनली, तीन प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये चौथा प्रॉपर्टी है जो कि हर वायर में होगा लगभग। तो इसीलिए इसको टेंसाइल होना चाहिए, मीन्स एक वायर में कन्वर्ट किया जा सके। इस तरह की प्रॉपर्टी अगर रहेगा किसी भी हीटिंग वायर के पास तो हम उसको बोलेंगे कि ये अच्छा हीटिंग वायर है, ये ज्यादा से ज्यादा गर्म कर सकता है, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे ये रेजिस्टेंस हाई होने से हीट को हाई प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए, रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट हाई होगा ही, यहाँ से पता चल रहा है। और करेंट का बात है तो करेंट भी ज्यादा होगा सर्किट में तो हीट ज्यादा होगा। इस टर्म को आप लोग लिख लीजिए इसको, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। किसी को क्वेश्चन है तो पूछो। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट का हम लोग अगला टॉपिक है कि इसका फर्स्ट एप्लीकेशन कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इस का होता है, इस प्रॉपर्टी का होता है हमारा, जो लुमिनेसेंट बल्ब होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट लगा रहता है जो टंगस्टन का बना होता है। और ये टंगस्टन के पास ये तीनों प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसको एक हीटिंग वायर कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में ये चारों प्रॉपर्टी जो हमने बताया वो होता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई होता है जिसके कारण जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो हीट ज्यादा होता है, और हीट होने के कारण क्या करता है, ये ग्लो करता है, ल्यूमिनेंस हम लोगों को चमक देता है। और कितना देता है, 1 एम्पियर करंट पास करने पे 1 कैंडेला का देता है, ल्यूमिनियस का SI यूनिट है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के पास भी यही प्रॉपर्टी लिख देंगे, हाई रेजिस्टेंस होता है, इस कारण से हीट हाई हो जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, ठीक है। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे लाइट एनर्जी में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, 33,080 डिग्री सेल्सियस, लगभग इतना टेम्परेचर इसका होता है, ठीक है। तो ये टंगस्टन का बना रहता है। और इसके पास तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड नॉट ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं रहता है। हम लोग क्या करते हैं, जब इसको लगाते हैं, टंगस्टन ऑक्सीडाइज हो सकता है आसानी से, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी टंगस्टन का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो उसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाता है, बिकॉज इट इज फिल्ड बाई नाइट्रोजन,
फिल्ड बाय नाइट्रोजन, इसके अंदर नाइट्रोजन भरा रहता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब रहता है तो इसके अंदर जो फिलामेंट है, जो इसके अंदर ये फिलामेंट बना रहता है, इस फिलामेंट को अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मिट्टी की तरह ये भुरभुरा हो जाएगा और ये मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए इसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है और इसके अंदर नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि ये ग्लो कर सके और ऑक्सीडाइज नहीं हो सके। तीसरी प्रॉपर्टी जो है टंगस्टन के पास है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको एक बल्ब को एक ग्लास के अंदर भर दिए और उसमें नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। तीसरा जो है इसके पास ये जो प्रॉपर्टी है, टंगस्टन जो वायर है ये ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जो कि बाद में लाइट में चमक में बदल जाता है और ये लाइट एनर्जी हमें मिलता है। तो ये सब प्रॉपर्टी है एक इलेक्ट्रिक बल्ब की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या है कि हाई टेम्परेचर होने पे जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर हाई होने पे ये मेल्ट नहीं होता है। अगर और भी ज्यादा करंट दे दे, मतलब रेटेड करंट से ज्यादा, रेटेड करंट क्या है, रेटेड करंट मान लीजिए इसका वो वैल्यू है जिसको लिए इसको लैब में चेक किया गया, इस मटेरियल को इसको दिया गया 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर इस तरह से दिया गया, देखा गया कि मैक्सिमम करंट कितना, मैक्सिमम करंट पे ये चलता है। चलिए सुनिए ध्यान से, देखिए क्या क्या हम लोग कर रहे थे। तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये तीनों प्रॉपर्टी तो इसके पास होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब है इट इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट लाइट एनर्जी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल से हीट, हीट से लाइट। उसके बाद क्या है कि इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है तभी तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और जितना हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही ये लाइट में कन्वर्ट कर पाएगा। ज्यादा पार्टिकल्स आके टकराएंगे, इसको गर्म करेंगे, फिलामेंट गर्म होगा तो वो जलेगा। तो फिलामेंट किस चीज का बना रहता है, तो ये याद रखिए फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है। इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। और ये ऑक्सीडाइज नहीं हो इसके लिए क्या करते हैं, ये टंगस्टन जो वायर है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, अगर इसको खुले हवा में छोड़ देंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब मिट्टी की तरह से एक भुरभुरा हो जाएगा और हट जाएगा वहां से। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, एक बंद ग्लास के ट्यूब में रखते हैं और ग्लास के ट्यूब में से जो ऑक्सीजन है उसको निकाल लिया जाता है और इसके अंदर नाइट्रोजन को भर देते हैं ताकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो। ऑक्सीडाइज नहीं होने के लिए ऑक्सीजन को निकाला जाता है, नाइट्रोजन को भर दिया जाता है ताकि कुछ मीडियम रहे और यहाँ से ट्रांसफर हो सके हीट लाइट। और तीसरा जो है हमारा कंडीशन, जो थर्ड कंडीशन है वो है कि इसका रेटेड करंट, अगर रेटेड करंट क्या होता है, इसको लैब में चेक किया जाता है कि कितना करंट के बाद ये मेल्ट हो जाता है। अगर इसको 1 एम्पियर देते हैं 2 एम्पियर ऐसे करके चेक किया जाता है, मैक्सिमम हमने चेक किया कि 5 एम्पियर पे ये 5 एम्पियर तक ये इसका मेल्टिंग पॉइंट सही है, जैसे ही 6 एम्पियर देते हैं ये मेल्ट हो जाता है। तो हमने इसका रेटेड करंट लिख दिया कि रेटेड करंट इसका 5 एम्पियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप इसको 5 एम्पियर से ज्यादा करंट देंगे ये जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और वहां से ये हट जाएगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि करंट जो है जो रेटेड करंट से हाई नहीं होना चाहिए। अगर रेटेड करंट हाई हुआ इट शुड मेल्ट इफ मोर करंट प्रोवाइडेड देन इट्स रेटेड करंट। अगर इसको रेटेड करंट से ज्यादा करंट दिया गया तो ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हाई करंट फ्लो होने लगता है वायर में, तो उस समय हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो मेल्ट हो जाता है, उसका टंगस्टन जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो दो चीजें हैं, ये फिलामेंट, ये इसका नाम फिलामेंट है जो कि बना रहता है किस चीज से, फिलामेंट इज मेड बाय टंगस्टन और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ये चीजें याद रखना है आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में और ये टर्म्स थे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर क्वेश्चन आए कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये, तो उसके लिए लिखेंगे प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सब चीजें हैं, अगर इसमें जितना
को ग्लाइड कराना है उतना हीट प्रोवाइड कराएंगे तो हमें मैक्सिमम एनर्जी देगा। अगर करंट ज्यादा करा दिए तो ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा। तो तीन कंडीशन है, ऑक्सीडाइज ना हो इसके लिए ग्लास के चैम्बर में ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन भर देते हैं, और ये मेल्ट ना हो इसके लिए रेटेड करंट के नीचे ही करंट सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये सब टर्म्स है, इसको लिख लीजिए और बताइए क्या नहीं समझ में आया। इसमें हाँ स्क्रीनशॉट तो भेज ही देंगे, चलिए स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजना है तो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद हमारा नेक्स्ट वायर है वो है हीटिंग वायर, जिसको आप लोग हीटर बोलते हो, हीटर। तो हीटर के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर इसका नाम है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हीटर बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज ए डिवाइस डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, चलिए। और इसमें और बल्ब में यही डिफरेंस है कि इसका बल्ब से भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये किस चीज से बना रहता है, मेड बाय नाइक्रोम वायर। ठीक है, नाइक्रोम वायर से ये बना रहता है, मेड बाय नाइक्रोम के वायर से इसको बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास हाई रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी समझाने के लिए समझाने की अब जरूरत नहीं है, हाई रेजिस्टिविटी होगा तो हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो हाई रेजिस्टेंस, और हाई रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसके पास एक मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये कंसेप्ट समझिए मेल्टिंग पॉइंट का, कि ये हीटर कैसे वर्क करता है। तो देखिए हीटर का कंसेप्ट क्या है, कि जैसे ही ये अपना एक हीट पर स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाता है, जैसे हमने इसको में हीट प्रोवाइड कराया और इसमें हीट हमने 5000 डिग्री सेल्सियस तक प्रोवाइड करा दिया, इतना टेम्परेचर तक ये गर्म हो गया। अब क्या है, इसमें हीट चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जैसे ही इसमें 1 डिग्री सेल्सियस और हीट ऐड करेंगे, ये 1 डिग्री सेल्सियस ये तुरंत अपने आसपास जो मॉलिक्यूल्स है एयर, उस एयर में 1 डिग्री सेल्सियस को भेज देगा। अब ये कंडीशन, जिस कंडीशन के बाद और हीट दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि उस हीट को एयर में ट्रांसफर कर दे रहा है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब ये 5000 के बाद क्या कर रहा है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ रहा है और गर्म हो रहा है तो सारे हीट को ट्रांसफर कर देता है। इसको कैसे आप कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, जैसे कि हीट जो है किसी जगह पे, अगर आपने कोई ट्यूब लिया, कोई वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक में पूरा पानी भरा हुआ है, इसकी कैपेसिटी जितना है उतना पानी भर दिए और पानी इसमें भर रहे हैं, इसमें और भी पानी भरा जा रहा है, तो सारा पानी इधर घिरेगा, फ्लो होगा इधर, मतलब सारे पानी क्या हुए, ट्रांसफर हो गए। उसी तरह इसके पास कैपेसिटी 5000 का था पूरा हीट, ये स्टेबल कंडीशन आ गया, इस वाटर टैंक का ये स्टेबल कंडीशन आ गया था, और पानी इसमें भरेंगे तो सारा पानी बाहर गिरेगा। उसी तरह और भी टेम्परेचर देने के बाद ये सारे टेम्परेचर को बाहर रिलीज कर देता है, सब हीट को बाहर एटमोसफेयर में रिलीज करता है, अगल बगल के जो है जो भी एयर होते हैं उसको गर्म करता है। इसको बोलते हैं रेडिएशन, मतलब हीट को एयर में ट्रांसफर करना कहलाता है रेडिएशन। तो ये रेडिएट कर देता है, इसके ये क्या करता है, हीट रेडिएट रेडिएट एट स्टेबल कंडीशन, स्टेबल जो कंडीशन होता है उसके बाद ये क्या करता है, हीट को रेडिएट करता है, एयर में भेज देता है, इसलिए जल्दी मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता नहीं है और मेल्ट नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है,
तो हाई मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने नहीं दे रहा है।